ऑलवेज व्हेन आई ट्रैवल टू दिल्ली, सेम फ्लाइट में कुछ प्रोटोकॉल के कुछ पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं. जब फ्लाइट से निकल रहा हूँ तो दो तीन पुलिस वेट करते रहते, तो एक छोटा डर है. मगर जब ये थिएटर का एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ तो फिर आई एम फीलिंग होम, फीलिंग एट होम. यार डरिए मत, दिल्ली तो यार अपना दिल वालों का शहर है, प्यार ही प्यार बसा है यहाँ के लोग. अभी उससे देखने को मिला अभी, तो आई एम हैप्पी. बहुत जल्द मिलेगा जब आपकी पिक्चर को भी इतना प्यार मिलेगा दिल्ली से, बिल्कुल मिलेगा. Well, नानी जी आपसे ये जानना चाहेंगे. No other warmer chair, so you can sit. I'm feeling good. Please. I have been sitting waiting for you. I've been sitting and eating popcorn. All right. You can take this off actually. So Nani, you are everywhere. Lucknow में आप truck से, Nagpur में tractor से, Jaipur में jeep से, यार मतलब back to back धमाकेदार entry आप हर जगह दे रहे हैं. Team का creativity है वो. अगर आप तक reach हो गया तो workout हो रहा है. I mean Nani is everywhere यार. Nani in the north, it's Nani, Nani, Nani everywhere that you see. Here it means grandmother, no, father's mother, right? So I mean everyone's home. So I'm glad you know. नवरात्रि यात्रा कर रहे हैं और अभी तक आप जो है कि पांच शहर पांच दिन हो गया, छठे में आप दिल्ली आए, तो कौन से शहर का आपको ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगा वो जानना चाहिए. शहर का हर शहर का एक्सपीरियंस अलग था. एक शहर में किसी शहर में लोकेशंस एंजॉय किए, किसी शहर में फूड एंजॉय किए, किसी शहर में ऑडियंस को एंजॉय किए. सो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस था. अगर अभी आई थिंक वी शुड ऑल स्टॉप चूजिंग समथिंग, इट्स ऑल एंड ऑफ द डे, इट्स आवर कंट्री, आवर सिनेमा, वी शुड एंजॉय एवरी प्लेस. सो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये फिल्म. दसरा के वजह से ऐसा एक टूर लगाने को मिला और अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, ये सब प्लेसेस मैं इससे पहले कभी गया था नहीं. तो अभी जब भी सोचूंगा इस प्लेसेस के बारे में तो इट्स अ वेरी नाइस मेमोरी एसोसिएटेड विद दसरा. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आप एक ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड सुपरस्टार हैं, तो जब व्हेनेवर यू सी योरसेल्फ ऑन स्क्रीन आफ्टर सो मेनी मूवीज, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू मिस दैट यू वांट टू अचीव नाउ, and how does the southern film industry help you achieve that, become a better person and a better actor? Right now I think I have a feeling that I'm debuting here, so and I think most exciting thing will always be when you don't take things for granted and when you're always ready to explore new things. And I still have butterflies in my stomach. I just 2 days to go for Dasara, and I haven't felt this nervous when my first film released. So I think just that love for cinema is the most important thing for you to grow as an actor, for you to do better cinema, for you to be better human being. You can't take anything for granted. This is cinema, and things work out sometimes, things don't work out sometimes. मगर ऑडियंस को ग्रांटेड नहीं, अगर लेंगे तो नेक्स्ट फिल्म में देन वो दिखा देंगे रियलिटी. सो आई थिंक माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, बहुत बार इंडस्ट्री के लोग ऑडियंस ऑडियंस यू नो बोलकर बात करते हैं, और हम पहले अंडरस्टैंड करना है कि हम ही ऑडियंस है. ऑडियंस ये सेपरेट ग्रुप नहीं है. हम भी पिक्चर देखते हैं, हम भी पिक्चर को लव करते हैं. अगर हम ऑनेस्टली काम करें और हमारे अगर इफ़ आई पुट माई हार्ट इन एंड इफ़ आई डू समथिंग ऑसम फॉर माई सेल्फ, देन पीपल यू नो ऑडियंस एवरी वन विल लव इट बिकॉज वी आर ऑल्सो ऑडियंस, वी ऑल आर ऑडियंस. सो यू नो दिस फिल्म दशहरा इज द मासीएस्ट फिल्म एज यू से, व्हाट हैज बीन द मोस्ट फन इंसिडेंट और एक्सपीरियंस व्हाइल शूटिंग द फिल्म दैट विल स्टे. फर्स्ट थिंग द रीजन मासीएस्ट फिल्म because I've said this before also, I really feel generally what happens with mass films is jo mass film aapko visual maarne ka man karta hai, you'll enjoy the you know slow motion shots, you'll enjoy the theatrical experience, wo sab isme hai, magar ye mass thoda alag hai kyunki this will be the first mass film which will touch your hearts, which will be heartwarming. I think we should put a caption on the poster saying heartwarming mass film. I think that's a combination you'll never get to see. Or
और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता चलेगा जब पिक्चर देखेंगे। इसमें जो मास मूवमेंट्स है, जहाँ आप विजल मारेंगे उस टाइम में आपके आंखों में भी थोड़ा ग्लिटर रहेगा, तो आई थिंक दैट इज द कॉम्बिनेशन विच वी जनरली मिस, एंड दैट इज द रीजन आई कॉल्ड इट द मासीएस्ट फिल्म। एंड रिगार्डिंग द मोमेंट्स ड्यूरिंग द शूट, ये बहुत ही मुश्किल शूट था। अभी मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि ये पिकनिक जैसी थी, ये शूटिंग हुआ ये सब, क्योंकि बहुत ही मुश्किल शूट था। कोल माइंस के बैकड्रॉप का फिल्म है, वो वर्ल्ड क्रिएट करना बहुत मुश्किल था, और हर दिन लोकेशन पे पूरा वो ब्लैक पाउडर डस्ट था। तो टीम में बहुत सारे लोगों को ये हेल्थ इश्यूज थे, मुझे भी 2-3 महीने तक ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि वो चेस्ट में वो कंजेशन था। तो पर अभी जब फिल्म फिनिश्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं तो इट फील्स इट्स ऑल वर्थ इट, वी आर ऑल सो हैप्पी। योर लाइक ड्यूरिंग द शूट वी यूज टू स्ट्रगल, बट इवनिंग आफ्टर द बैकअप व्हेन वी यूज टू सी द आउटपुट वी यूज टू बी लाइक वेरी वेरी हैप्पी दैट दैट केप्ट अस गोइंग। सो इट वॉज नॉट नो मोर देन एनी फन, नो फन सिचुएशन था एट ऑल ऑन द लोकेशन, बट एवरीथिंग वॉज वेरी मेमोरेबल। बॉक्स ऑफिस पर जो है कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100 करोड़, अब 500 करोड़, अब 1000 करोड़, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप अपने दशहरा को इस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, मगर उसके लिए काम करें तो वो नहीं आएगा, वो नहीं मिलेगा। अगर हम अच्छे पिक्चर करने के लिए काम करेंगे तो बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली, अगर आप देखें तो जो भी लास्ट फ्यू ब्लॉकबस्टर्स है उनका जो फर्स्ट पार्ट स्लोली शुरू हुआ, देन आपका प्यार मिला तो सेकंड पार्ट 10 times हो गया। सो यहाँ पे जीतने का है प्यार पहले, बॉक्स ऑफिस ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। बॉम्बे में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो देख रहा था, तो अभी क्या है कि दशहरा और भोला का क्लैश होने जा रहा है, तो आपने कहा था मैं भोला पहले देखने जाऊँगा, अब बॉम्बे में आपने कहा था, तो क्या, क्योंकि बॉम्बे जो भोला जो है वो कहती है कि रीमेक है, तो आप उस पर क्या देखते हैं कि जो रीमेक है बननी चाहिए या नहीं? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैश नहीं है, आपके पहले किसी और ने क्वेश्चन पूछा, अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप दोनों का क्लैश नहीं है ना, सेम बोला और दसरा भी ऐसे ही है। तो आई थिंक वी ऑल लव अजय देवगन सर, एंड आई एम ऑल्सो ईगर टू वॉच बोला, एंड आप सब मीडिया के दोस्तों भी, आप मॉर्निंग शो को बोला जाइए, मैंटनी को दसरा, अगर टायर्ड हो गया तो इवनिंग शो को दसरा जाइए, आई एम वेरी हैप्पी। आपने एक्शन मूवी बनाई है, और एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और इसकी शूटिंग वगैरह कहाँ हुई है? ये एक अभी जनरली हमारे मूवी गोइंग ऑडियंस, एक अगर एक फिल्म प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दे, वैसी फिल्म्स को यू नो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, और दसरा एग्जैक्टली फॉल टू देयर, बिकॉज हम सबको वो कैरेक्टर्स कभी बाहर मिले नहीं होंगे, उस वो बैकड्रॉप हम कहीं देख, यू नो वी वुडंट हैव सीन दैट बैकड्रॉप, एंड जब आप थिएटर में जाएंगे बाहर का ट्रैफिक और जो भी स्ट्रेस है आप कम्प्लीटली भूल जाएंगे, क्योंकि एक कम्प्लीट नया वर्ल्ड में आपको ट्रांसफर कर देंगे। एक विलेज कॉल्ड वीरलपल्ली जो है कि कोल माइंस में, एक्चुअली ये फिल्म का डायरेक्टर श्रीकांत उडेला, वो गोदारकनी से है, गोदारकनी में है ये सिंगरेनी कोल्स कोल माइंस विच इज द बिगेस्ट इन एशिया, और उसके पापा उसी कोल माइंस में ऑलमोस्ट 40 years से डंपर का ड्राइवर का काम किए, तो उसे जितना वो वर्ल्ड के बारे में पता है किसी और को पता नहीं, और ये ऐसी स्टोरीज होते हैं जो हम एक रूम में बैठ के नहीं लिख सकते, किसी के लाइफ से आना है। तो श्रीकांत जिस तरह की डिटेल्स और जिस तरह की कैरेक्टराइजेशंस को प्लान किया है इस फिल्म में, वो बहुत ही मेसमराइजिंग रहेंगे, बहुत ही आप सरप्राइज होंगे, बहुत ही एक्साइटिंग लगेगी, और ये बेसिकली ये स्टोरी है प्यार दोस्ती और एक रेज, एक गुस्सा की एक आर्क है इस स्टोरी में जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। दोज आर बेसिक इमोशंस, बट दोज आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल ऑन दिस फिल्म, वेरी ड्रामेटिकली बट येट सटली एक्सप्लोर्ड ऑन बिग स्क्रीन। Actually, I want to know that what's that one thing that made you choose this script of Dasra? One thing I thought was this, what I said before, where
this is extremely mass, but good mass. How do I say? Like when content and generally what happens, there will be parallel cinema in any industry. कभी भी ये content films आते रहते हैं और एक side में एकदम mass masala films रहते हैं. इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा हमें जनरली, तो आपको दशहरा में वो कॉम्बिनेशन मिलेगा. आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स वेरी गुड स्टोरी टेलिंग. आप कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाओगे, आप बिलीव करोगे कैरेक्टर्स. कोई कैरिकेचर नहीं दिखेगा, कोई लार्जर देन लाइफ नहीं दिखेगा, सबको आपने यू कैन फाइंड योर सेल्फ इन द फिल्म एंड उनके साथ हंसोगे, उनके साथ रोओगे, मगर जो जब वो मास मूवमेंट आएगा तो विजल मारोगे. तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. सर वैसे तो जो है कि दशहरा जो है कि नवरात्रों के बाद ही आता है, जैसे कि अभी जो है ये भी नवरात्रों के बाद ही आ रहा है दशहरा, तो उस दशहरा इसमें जो है कि क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, थोड़ा वो आपसे जानना चाहिए. आपको दशहरा, ये फिल्म का नाम जो है दशहरा, ऐसे सिंपली नहीं लगाया गया. अगर आप सबको मैं शो डाल के बिना टाइटल के ये फिल्म दिखाऊँ और आपको पूछूँ क्या टाइटल लगा है, तो आप बोलेंगे दशहरा, क्योंकि उतना ये फिल्म शुरू होता है एक दशहरा से और एंड होता है एक दशहरा से. बिटवीन उसके बीच में बहुत सारे इयर्स व्हाट स्टोरी हैपेंस इज द फिल्म अबाउट. और आल्सो यू विल गेट, अभी जो वेल्लपल्ली का ट्रेडिशन है दशहरा का, ये रावण दहन तो हर प्लेस का ट्रेडिशन है, मगर मैं हैदराबाद से हूँ, मुझे बहुत सारे ट्रेडिशंस नहीं बताते उस प्लेस का, और बहुत ही एक्साइटिंग ट्रेडिशंस है. जब मैंने सुना कि यू नो ये काम करते हैं दशहरा के बिफोर उस पर्टिकुलर प्लेस में, बहुत ही एक्साइटिंग लगा. और मैंने सोचा जब आप थिएटर में देखेंगे आपको भी बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा वो सब प्रोसीजर. इस फिल्म को अभी मैंने कहीं पढ़ा था 36 कट्स के साथ रिलीज किया जा रहा है, 36. हाँ, और वो कौन से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जो आपके बहुत करीब भी होते हैं, आप चाहते हैं फिल्म में रहे. हाँ, तो ये 36 कट्स कौन से थे और किस? एक्चुअली कुछ भी वरी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 36 कट नंबर बड़ा लगता है, मगर उसमें 22 कट्स एक ही डायलॉग का रिपीटेटिव है, बस डायलॉग को म्यूट किया गया है. और डायलॉग ए वर्ड है, मैं बोलूँगा बाहर, बट आप डोंट वरी बिकॉज इट्स नॉट दैट वर्ड. तेलंगाना में एक वर्ड है जो फॉर चैलेंज के लिए, अगर किसी को चैलेंज करना है तो कहते हैं एंड चत बोलते हैं. तो तो बिकॉज दिस वर्ड साउंड्स लाइक अ कस वर्ड फ्रॉम द नॉर्थ फ्रॉम हिंदी, द सेंसर बोर्ड वाज वरीड एंड स्केर्ड. देन दे सेड हाँ वी अंडरस्टैंड इट्स अ डिफरेंट वर्ड बट देयर विल बी पीपल हु विल मेक अ सीन आउट ऑफ दिस, लेट अस म्यूट इट. दे सेड वी अंडरस्टूड, या ओके देन इफ यू से सो. सो ये जो 36 कट्स है उसमें 24 कट्स है बैंजत. फिल्म में ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट सीन में वो आती है वो डायलॉग, उसका धरनी का वो क्या बोलते हैं उसका रेगुलर वर्ड है वो, तो उसको म्यूट किया गया. उसमें भी आई थिंक आधा म्यूट किया गया है. तो हाँ, यू हैव प्लेड अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर इन दिस मूवी एज वी कैन सी इन द ट्रेलर. आई वांट टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, हाउ डिफरेंट एंड हाउ डिफिकल्ट फॉर अ एक्टर टू you know create a difference from the real life and the real life characters, like you know in this movie, how difficult it is. Difficult, ma'am, and I think we are paid for that, so yeah, so we it is definitely difficult, and particularly when characters like this, it's extremely difficult. See, I कभी कुछ रॉम कॉम बनाऊँ, अगर मेरे कैरेक्टर से वो क्लोज है, कपड़े से भी क्लोज है वो, इट्स वेरी ईजी. यू नो हैप्पी यू वाइल हैविंग फन यू कैन फिनिश द शूट. बट ये जो है ऐसी फिल्म कभी कभी आते हैं करियर में जो कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज क्लोज पूरा आपने कभी ट्राई करा हो नहीं होगा, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका यू नो तो कैरेक्टर में जाने के लिए, कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए मुश्किल होता है, मगर जब वो अच्छा रिजल्ट आती है तो इट इज़ ऑल वर्थ इट एंड ऑफ द डे. नानी दे, वन मोर क्वेश्चन. अभी सब बातें कर रहे हैं कि राइवलरी है, भोला रिलीज हो रही है आपकी फिल्म के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अजय देवगन सर वो पहले इंसान थे बॉलीवुड में जब हम मक्खी प्रमोट करने आए थे, एंड ही वॉज विथ यू दैट टाइम, और मुझे लगता है कि वही प्यार और उसी प्यार के साथ मेरा पहला प्रेस मीट नॉर्थ में था मक्खी के लिए, और
अजय देवगन सर भी थे, वो अजय देवगन सर और काजल मैम ने वॉइस ओवर दिया मंकी के लिए, ओपनिंग टाइटल्स उन्हीं का वॉइस है। तो अभी इतने सालों के बाद, अभी ये बीच में मेरे यू नो बहुत सारे फिल्म श्याम सिंह रॉय जर्सी ये सब सुपर किलर डी फोर बोल की एक फिल्म है जो डबिंग का नाम है, ये सब बहुत ही यू नो बिग हिट ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे लोग वो फिल्म्स को देखे, मगर थिएटर रिलीज को मैं कभी फिर से नहीं आया क्योंकि किसी फिल्म ने उतना जोश नहीं दिया कि ये परफेक्ट होगी, ये यू नो थिएट्रिकल रिलीज के लिए जाएंगे। दसरा एक वो यू नो उस टाइप का कॉन्फ्रेंस है, और कोइंसिडेंटली अगेन उसी दिन अजय देवगन सर का बोला भी है रिलीज, तो कुछ ये लगता है कि यूनिवर्स का सिग्नल है कुछ अच्छा होने वाला है। और आई रियली विश अजय देवगन सर ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर बोला। एंड इनफैक्ट जयपुर में जब था प्रमोशंस के लिए वो कह रहे थे कि इवनिंग अजय देवगन सर भी आ रहे हैं वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, मुझे वो ख्वाहिश था कि उन्हें मिलूं और बेस्ट विशेस पर्सनली बोलूं, पर कह नहीं सका। हमारा फ्लाइट था यू नो आउट ऑफ जयपुर बिकॉज वी हैड टू अटेंड प्री रिलीज इवेंट इन अनंतपुर। तो या आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी हियर, सो बेस्ट विशेस टू ऑल, आई एम टोटली रूटिंग फॉर बोला। हमारा यूथ जो एक्टर बनना चाहता है और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो वो अपनी लाइफ में करे और आपकी तरह वो सक्सेसफुल हो सके? तो हमारे यूथ को आप क्या तीन चीजें ऐसी बताना चाहते हैं? तीन चीज, यस। एक चीज है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री इज योर रूट, देन डोंट कम टू फिल्म इंडस्ट्री फॉर सक्सेस, कम फॉर पैशन, कम फॉर लव ऑफ सिनेमा, कम फॉर व्हाट, come because you can't do anything else in your life. If you feel agar main film industry mein nahi kaam kar raha hu, nahi kuch nahi rahunga, to tabhi aaiye. Paise ke liye, fame ke liye, success ke liye, this is not the place. He legends say that. And yeah, I think that kind of covers the three cheese. The character in the movie is great, but he is drinking a lot. Correct. Okay, so why do you think it was important for the character to drink it a lot? It was very important because, sorry, I'm cutting you off. It's okay. It's very important because, yahan pe jo village hai hum dikha rahe hai, wahan pe us village mein har aadmi, every man, every woman, har ek peeta hai. Kyun peeta hai? Pleasure ke liye nahi. Shaam ko nahi peeta hai, subah peeta hai. Kyunki they drink and they go to work. Coal mines mein kaam karne ke liye jaate hai, to बिना अल्कोहल पिए वो नंबनेस नहीं आती, वो कि जितना मुश्किल वर्क है वो उसके लिए पीना पड़ता है। तो वो पूरा टाउन को, वो पूरा विलेज को एक ही बार है, वो बार बिकम्स द पावर होल्डर एंड ड्रिंकिंग इज देयर वे ऑफ लाइफ। बट उसके बारे में एक अच्छा सबकॉन्शियस मैसेज है, जब पिक्चर देखेंगे आप समझेंगे। और उस बार का नाम है सिल्क बार, आपने देखा होगा सिल्क स्मिता मैम का फोटो में पोस्टर्स, वो बार का नाम है सिल्क बार और सिल्क स्मिता मैम का पेंटिंग रहता है वो बार के ऊपर। तो हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ड्रिंक इन द मूवी लाइक फॉर दिस शॉट कि आप रियलिटी में? हाँ, लाइक दो तीन बार, जब ही वांटेड दैट आईज टू बी रेड एंड ऑल द डायरेक्टर ओरिजिनल दिया है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम इट वाज मिक्स ऑफ सम जूस व्हिच you know creates that color. Yeah, thank you sir. Ek question main puchna chahungi, aise hi matlab daru wale questions aapse baki kisi state mein bhi kare gaye ya zyada tar yahi par ye question aa rahe hain? Sabko alcohol ka questions aa rahe hain. Wow, baki ke everybody is interested in alcohol. That's great, congratulations for your movie and we are all looking forward to watch the movie on 30th of March in the theaters.